मेरे चटोरे इंडियंस, कैसे हैं आप? नवीन की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी किचन से आपके लिए लेकर आया हूँ मैक्रोनी की चटपटी नमकीन की रेसिपी। अचानक घर में कभी मेहमान आ जाएं और घर पे कुछ भी ना पड़ा हो मेहमानों को सर्व करने के लिए, तो आप ये झटपट बनने वाली नमकीन की रेसिपी बना सकते हैं। टेस्ट चेंज करने के लिए कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटपटी होने के साथ साथ ये बहुत ही कुरकुरी भी बनती है। तो बिना ज़्यादा बातें किए चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मैक्रोनी की कुरकुरी नमकीन बनाने के लिए मैंने एक भिगोना लिया है जिसमें हमने मैक्रोनी को बॉयल करना है। तो उसके लिए मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर आधा लीटर पहले पानी, और ये मैंने ली है मैक्रोनी एक कप। साथ इसमें हम डालेंगे एक टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और एक टीस्पून मैं इसमें डाल रहा हूँ नमक। नमक डालने के बाद हम मैक्रोनी को 5 से 7 मिनट पकाएंगे और इसको हमने सिर्फ 70-80% ही पकाना है। तो लगभग 5 मिनट हो गए हमारी मैक्रोनी को पकते हुए। एक बार चेक कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने मैक्रोनी को पूरी तरह से नहीं हमने इसको पकाना है, तो ये देखिए बिल्कुल ही थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने 70-80% इसको हमने सिर्फ पकाना है। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद और अब हम ये सारा पानी इसका ड्रेन आउट कर देते हैं। तो भिगोना हमारा बहुत गर्म है तो इसको आराम से हम उठाते हैं ऐसे, और ये सारा पानी हमने ड्रेन आउट कर देना है। तो अब हमारी मैक्रोनी कई बार क्या है ये स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है एक दूसरे के साथ, तो इसको ये ठंडी भी हो जाएगी और ये चिपके भी नहीं। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल रहा हूँ ठंडा पानी। आप इसके यहाँ आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, इसके बीच में थोड़ी देर के लिए आइस क्यूब्स डाल के रख दीजिए तो ये ठंडी हो जाएगी। तो ये हमारी मैक्रोनी लगभग थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं इधर एक अलग से मिक्सिंग बाउल में और इसको 2-3 मिनट ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए लगभग 2-3 मिनट के अंदर ही हमारी मैक्रोनी ठंडी हो गई है, और ये देखिए बिल्कुल भी आपस में नहीं ये चिपकी है, क्योंकि मैंने जब पानी के अंदर इनको बॉयल किया था इसके अंदर मैंने ऑयल डाला था, और दूसरा जब मैंने इनको निकाला पानी ड्रेन आउट किया इनका गर्म पानी और ठंडा पानी डालने से ये बिल्कुल खिली खिली सी हो गई है। अब हम इसके अंदर अपने बाकी के इंग्रीडियंट्स डालते हैं। एक टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट, और एक टेबलस्पून मैंने लिया है ये मैदा। अब हमने इनको अच्छी तरह से इसकी एक लेयर लगा देनी है इसके ऊपर। तो अच्छी तरह से इसको हिलाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे और एक अच्छी सी लेयर अपनी मैक्रोनी के ऊपर लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा अरारोट और मैदा अच्छी तरह से हमारी मैक्रोनी में इवनली इसकी एक अच्छी सी लेयर लग गई है। तो अब हमने ये एक्स्ट्रा जो हमारा इसमें मैदा है उसको हमने निकालना है। तो यहाँ पर मैं एक न्यूज़पेपर ऐसे बिछा रहा हूँ और ये मैंने एक छलनी ली है, इसके ऊपर हमने सारा ये डाल के और इसको छान देना है दोबारा से, ताकि हमारा ये सारा एक्स्ट्रा मैदा ये देखिए निकल जाए, ताकि फ्राई करते समय हमारा ऑयल खराब ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स हमने जितना भी एक्सेस अरारोट और मैदा था वो हमने सारा देखिए इसमें निकाल दिया है। तो अब हम इसको निकाल देते हैं एक अलग से बाउल में और इसको करेंगे अब हम फ्राई। फ्राई करने के लिए इधर मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर हमने बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना है, इसको मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको फ्राई करना है। तो थोड़ी थोड़ी मैक्रोनी डालकर हम इसको अब फ्राई करेंगे। और हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। बीच बीच में हम इसको ऐसे हिलाते भी रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया, बस हमने इनको इसी स्टेज पर निकाल लेना है, इनको हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखिए मैं आपको इनकी आवाज सुनाता हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ऐसे हम इनको निकाल लेते हैं फटाफट एक इधर दूसरे मिक्सिंग बाउल में। और जो हमारी ये मैक्रोनी बच गई थी अब हम इसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है मैक्रोनी का। तो हम इसको भी फटाफट निकाल लेते हैं मैक्रोनी को भी। तो ये देखिए आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा ऑयल बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने वो जो हमारा अरारोट था और जो मैदा था वो हमने छान लिया था, इसलिए हमारा ऑयल भी खराब नहीं हुआ है। तो अब हम इसको भी इसमें फटाफट पलट देते हैं। तो अब मैं आपको देखिए अपने इस नमकीन की आवाज सुनाता हूँ कितनी ये क्रिस्पी बनी है, ये देखिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे
मसाले इसको चटपटा बनाने के लिए, ये मैंने लिया है अमचूर पाउडर आधा टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ देगी मिर्च, आप इसकी जगह कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है पुदीने का पाउडर। तो अब हम इनको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सभी अपने इंग्रेडिएंट्स को, मसालों को। इनकी क्वांटिटी आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको कितना चटपटा अपनी नमकीन को बनाना है। तो अब हम इसको डाल देते हैं अपनी फ्राई की हुई मैक्रोनी में और इसको अच्छी तरह से कर देते हैं एक बार मिक्स। इवनली मिक्स करने के लिए मैं वही प्लेट ले रहा हूं जिसपे मैंने मसाले मिक्स किए थे, आप इससे एक बार अच्छी तरह से इसको हम ऐसे मिक्स कर देते हैं। तो ये लीजिए हमारी चटपटी मैक्रोनी की नमकीन बनकर हो गई है तैयार। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये झटपट बनने वाली मैक्रोनी की नमकीन बनानी कितनी आसान है। तो आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई जरूर कीजिएगा और फिर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कि आपने ये मैक्रोनी की नमकीन घर पर बनाई कैसी बनी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि YouTube पर जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो या नया रेसिपी डालूं उसका मैसेज और नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलरली आता रहे। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और नियर्स एंड डियर्स के साथ, और हाँ लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।